चलो कॉमन एन इफेक्ट देखना, कॉमन एन इफेक्ट ये इसमें लास्ट टॉपिक था जो मेरे को करवाना था, वो देख लेंगे एक बार। कॉमन एन इफेक्ट, कॉमन एन इफेक्ट में क्या है, जैसे मान लो कोई भी वीक एसिड है से HCN, कोई भी वीक एसिड ले सकते हैं HCN, इस ये टूटा एच प्लस प्लस सी एन नेगेटिव में, एच प्लस प्लस सी एन नेगेटिव, तो NaCN, अब ये HCN में ऐसे टूट जाएगा, NaCN टूटेगा पूरा Na प्लस प्लस सी एन नेगेटिव में। ये दोनों मिक्स किए मैंने, ये दोनों मिक्स कर दिया, एक ही वेसल के अंदर है दोनों, तो इसमें हमें दिख रहा है कि सी एन माइनस कॉमन है और इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, दोनों में ना सी एन माइनस, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, कोई भी चीज बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल वो कम होनी चाहिए, कम होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड जा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, तो ऊपर वाली रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड चली जाएगी, ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, इस वजह से क्या होगा, HCN का आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा, HCN का आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, अगर ये सॉल्ट होता तो उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती, अगर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता तो उसकी सॉलिबिलिटी भी कम हो जाती, यही कॉमन एंड इफेक्ट है। अगर आता है ना स्टेटमेंट एक्सप्लेन कॉमन एंड इफेक्ट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, कॉमन एंड इफेक्ट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो तुम्हें उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कॉमन एंड इफेक्ट क्या लिखेंगे उसके लिए, इफ टू ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इफ टू ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ए सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन इज एडेड, ए सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन इज एडेड, या ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन इज एडेड, देन आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर सप्रेस, देन आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर सप्रेस, अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है तो उसकी सोलिबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, सही ना, अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है तो उसकी सोलिबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देख लेते हैं, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 0.1 मोलर HCN, उसमें मैंने 0.2 मोलर NaCN डाल दिया, 0.2 मोलर NaCN डाल दिया, और K दे रखा है HCN का, K दे रखा है HCN का 10^-5, और मैंने पूछा अब इसका पीएच निकालना है, ध्यान रखना इसका पीएच निकालना है, इसका पीएच निकालना है, अल्फा निकालना है, और एक बार निकालना है विदाउट, एक बार निकालना है विदाउट NaCN, और एक बार निकालना है विद NaCN, पीएच निकालना है, अल्फा निकालना है विद NaCN, समझ गए कि नहीं है, ये दोनों चीजें निकालनी है, HCN दे रखा है, NaCN दे रखा है, मिक्स कर रखा है, तुम्हें निकालना है पीएच HCN का विदाउट NaCN बीइंग एडेड, और एक बार निकालना है व्हेन NaCN इज एडेड, एक बार तुम्हें ट्राई करना, तुम नहीं बताओ, मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट ट्राई करना तुम्हें। पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम, नोट भी मतलब सर कहते तो नहीं है पर फिर भी लगता है ना सर से कि पता नहीं।
किसने आंसर निकाला कि नहीं? किसी ने आंसर निकाला इसका? सर एक मिनट, बस हो गया। चलो गर्व का होने वाला है। वेदांत तूने निकाला आंसर? सर विद एनएस के निकाल रहा हूँ। चलो युविका ने निकाल लिया सबसे पहले आंसर। युविका आंसर है, युविका का आंसर आया पीएच इक्वल टू 4.4 और अल्फा आया शायद 5 × −5। एक बार युविका चेक करना, यही बोला तुमने? यस सर। सर ये विद एनएसएन के साथ वाला है। हाँ एनएसएन के साथ वाला। और किसी ने निकाला ये? अब मैं एक बार आंसर बता रहा हूँ उसका। अगर सिर्फ एचसीएन है, अगर सिर्फ एचसीएन है, वेदांत आंसर निकला नहीं दे रहा? ये नहीं सर, आ गया। यही है क्या? सेम है, अलग है सर? पीएच अलग आ रहा है, पीएच अलग आ रहा है। चलो देखते हैं। पर अगर सिर्फ एचसीएन है, ध्यान देंगे, अल्फा आएगा अंडर रूट के बाय सी, वो तुम निकाल लेना कंसेप्ट के बाय सी। ये तुम अपना कंसेप्शन निकाल लेना इसको। के की वैल्यू 10^-5 है, सी 0.1 है, तो अल्फा आ गया 10^-2। 10^-5 बाय 0.1, 10^-2, 10^-2 आ जाएगा अल्फा। सही ना? अल्फा कितना आ जाएगा? 10^-2। और NaCN के साथ, ध्यान देंगे, NaCN के साथ ये अल्फा आ गया ना। और pH तो पता ही है, माइनस लॉग सी अल्फा होगा, माइनस लॉग सी अल्फा, सी है 0.1, अल्फा है 10^-2। तो 10^-3 यानी pH आ गया 3। ये वेदांत यही निकला आंसर इनिशियली? यस सर। हाँ ये सबका सही होना चाहिए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। अब हमें मेन क्वेश्चन करना था कॉमन आयन इफेक्ट के साथ। मेन क्वेश्चन करना है कॉमन आयन इफेक्ट के साथ। देखो 0.1 और 0.2 मोलर है, ध्यान देंगे 0.1 में से x गया, x यहाँ पे मेरे को पता है कि 0.1 अल्फा है, x यहाँ पे 0.1 अल्फा है, x बनेगा। इसमें 0.2 है, ये पूरा खत्म होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 0.2 बनेगा, ये भी 0.2 बनेगा, दोनों 0.2 बनेगा। तो अब K का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं सीधा HCN के लिए। K HCN के लिए क्या है? H प्लस इंटू CN नेगेटिव डिवाइडेड बाय HCN। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? दोनों इक्वेशन में देखना, H प्लस का कंसंट्रेशन है X, एच प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है? एक्स है। और सी एन माइनस का दोनों में मिलाकर देखो, चेक करो, 0.2 + x है, 0.2 + x। और जो एच सी एन है वो है 0.1 - x। देखो अगर तुम ध्यान दोगे तो x की, अब ये हमें पता है कि क्या होना है, सी एन माइनस कम होने हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन इफेक्ट आ गया, सी एन माइनस इधर भी है, इधर भी कॉमन है, तो सी एन माइनस क्या होने हैं? कम होने हैं। इसलिए जो ये x होगा ये बहुत कम आएगा, सी एन माइनस कम होना है, इसलिए x बहुत कम आएगा। ये यहाँ पे भी नेगेटिव मान सकते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव मान सकते हैं, दोनों जगह नेगेटिव मान सकते हैं। तो 10^-5 था के, ये आ गया x इंटू 0.2 डिवाइड बाय 0.1। आईआईटी में कभी भी क्वेश्चन आता है, कभी भी नेगलेक्ट मत करना, आज तक क्वेश्चन आया नहीं ऐसा कि नेगलेक्ट करना हो। तो x आ गया 5 × 10^-6। सर एक बार रिपीट करना आपने, इसको क्यों नेगलेक्ट करा था? x की वैल्यू कितनी है? सी अल्फा थी ना पहले,
वो 10^-3 थी कि नहीं, PH3 आया था जो? यस सर। अब x और कम होना है कॉमन इफेक्ट की वजह से, तो नेगलिजिबल मान सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो इसलिए मैंने नेगलिजिबल मान लिया इसको, और x आ गया 5×10^-6, x ये आ गया, और x ही क्या है? H plus ions का concentration. X ही क्या है? H plus ions का concentration. X क्या है? H plus ions का concentration. इसलिए इसको मैं इससे pH डायरेक्ट निकालूंगा, pH will be 6 - log 5. 6 - log 5. तो 5.3 आएगा. ये आया pH वेदांत? यस सर. UV का समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब सिंसियरली हैंड सेस करेंगे जिसका आंसर सही है, जिसने आंसर सही निकाला है. काजल का सही है, वेदांत का सही है कम्प्लीटली, और सबसे पहले तुमने से सही जो निकाला है वो वेदांत का निकला है. और कोई बच्चा है जिसका निकला था वेदांत से पहले? सबसे जल्दी निकाला था युविका ने, लेकिन उसका एक पार्ट गलत हो गया था पीएच निकालने वाला. तो काजल, वेदांत, बॉबी, कनिष्क और छवि का सही है. छवि आंसर क्यों नहीं बोला? छवि सर मेरा थोड़ा लेट निकला था, फिर निकल गया था. करेक्ट था? यस सर. चलो एक बार एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, ऐसी इसकी प्रैक्टिस करनी है ढंग से. देखो मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा मेन. अच्छा, तुमने लुईस एसिड, अरहेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, फ्रैंकलिन थ्योरी, लक्स फ्लड कंसेप्ट, ये 5 एसिड वाले कंसेप्ट किस किसने पढ़ लिया? तुम में से किस किसने पढ़ लिए 5 एसिड वाले कंसेप्ट? बहुत से अनिश, एक अनिश ने पढ़ा है, और किसने पढ़ा है? कनिष्क ने पढ़ लिया है. मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम पहले तुमसे पूछूंगा 5-7 मिनट आयनिक वाला पार्ट वो पूछूंगा, थ्योरी वाला पार्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें. जो ये है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा इसके, इसलिए थ्योरी पढ़ के रखना. अरहेनियस कंसेप्ट मतलब जो एच प्लस आयन देगा वो एसिड, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट मतलब जो प्रोटोन देगा वो एसिड, लुईस कंसेप्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एसिड. ये लाइन बोलूंगा सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा आगे, क्योंकि थ्योरी अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना मैं न्यूमेरिकल्स करा ही नहीं पाऊंगा. ना मैं केमिकल में न्यूमेरिकल्स करा पा रहा हूँ, ना थर्मो के अंदर ढंग से न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं. तो थ्योरी वाला पार्ट तुम्हें खुद खत्म करना जल्दी से, और क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट टाइम. पेरेंट्स जरूर होने चाहिए साथ में, नहीं तो मैं इससे आउट, क्लास से आउट कर दूंगा सीधा. पेरेंट्स जरूर, अगर नाइट में क्लास होती है पेरेंट्स साथ में हो, दिन में भी ट्राई करना पेरेंट्स साथ में हो जरूर. पेरेंट्स अगर साथ में नहीं होते ना, फिर तुम लोग आंसर दोगे पता नहीं कॉपी से देख के दे रहे हो कैसे दे रहे हो, इसलिए मैं फास्ट बोलता हूँ आंसर इमीडिएटली देना आंसर. तुम लोग पढ़ी नहीं, ये अनिश कौन से लेक्चर में खत्म हुआ है एसिड का कंसेप्ट? सर जो लक्स फ्लड वाला थ्योरी है वो लास्ट वाली लेक्चर 8 में. लेक्चर नंबर बताना एक बार, लेक्चर नंबर कौन सा? यस सर, लेक्चर नंबर 8. अच्छा 8 में खत्म हुआ है, थोड़ा सा लेट है. यस सर. चलो अभी तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि थर्सडे या फ्राइडे को क्लास, थर्सडे को मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तुम्हें. ये अनिश मैं तेरी वजह से नाइट में क्लास किया, अभी पहले मैं मैकेनिक्स की क्लास दे रहा था, तो मैं ट्राई ये करूंगा कि ना ये जो क्लासेस है नाइट में हो जाए जितना हो सके. जानवी? यस सर. कितने लेक्चर्स पढ़े अभी? सर अभी 3 हुए हैं. 3 हुए हैं, तो कॉमन आयन इफेक्ट आ गया उसमें कि नहीं? सर कॉमन आयन इफेक्ट आ गया उसमें कि नहीं? नहीं सर अभी नहीं आया. चलो कुछ में न्यूमेरिकल निकालेंगे, उससे देखते हैं कितना समझ आ जाता है अभी. ओके सर. एक बार एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ सेम इसी टाइप का, फास्ट निकालना थोड़ा सा, गलत मत करना, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से करना है. गिवन 0.2 मोलर अमोनिया विद डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू से 10^-6 या 2×10^-6, डिसोसिएशन कांस्टेंट 2×10^-6,
कैलकुलेट पीएच एंड अल्फा, पहला पार्ट. नेक्स्ट कैलकुलेट इट्स कैलकुलेट इट्स पीएच एंड अल्फा इन पॉइंट वन मोलर NH4Cl सॉल्यूशन आल्सो, 0.1 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन. सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ट्राई करेंगे, देखते हैं किसका सही होता है. ध्यान से करना, गलती मत करना इसमें. हाँ कर लिया क्वेश्चन. ये देखो वेदांत किया क्वेश्चन. चलो एक बार रीजॉइन करना, फिर मैं आंसर देता हूँ.